स्वीट हार्ट मूवी की शुरुआत में हमें जेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन एक तूफान आने की वजह से इनकी बोट डूब गई है। होश में आने पर जेन समुद्र के किनारे खुद को एक आइलैंड पर पाती है। तभी वो अपने फ्रेंड ब्रॉड को देखती है जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसका काफी खून निकल रहा था। वो काफी परेशान हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जीन ब्रॉड को पानी से बाहर ले जाती है। उसके पेट में कोई पत्थर जैसी नुकीली चीज घुसी हुई थी। फिर जीन किसी तरह ब्रॉड के पेट में से उसे बाहर निकालती है। ब्रॉड जीन से पूछता है कि क्या तुमने उसे पानी में देखा, लेकिन जीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके पीने के लिए पानी खोजने चली जाती है। आइलैंड से कुछ दूर जाने के बाद जीन को एक नारियल मिलता है जिसे वो पत्थर से तोड़ने लगती है, लेकिन इस दौरान उसे काफी समय लग जाता है। वो ब्रॉड के पास जाती है और उसे नारियल का पानी पिलाने लगती है, लेकिन ब्रॉड ब्लीडिंग होने की वजह से अब मर चुका था। इस बात से जीन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद जीन आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, जिसके बाद जीन को कुछ आइलैंड पर सामान मिलता है। वो सारा सामान किसी फैमिली का था जो काफी समय पहले यहाँ पर रुके थे। जीन को वहाँ पर कुछ जरूरी सामान और कोल्ड ड्रिंक और माचिस मिलती है। उसी समय जीन को कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे फॉलो करने पर जीन को एक खोखला पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। इसके बाद जीन ब्रॉड की डेड बॉडी के पास आती है और उसे कुछ पत्तों से ढक देती है। अब रात के समय बारिश चालू हो जाती है, इसलिए जीन पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है और साथ ही पीने के लिए पानी इकट्ठा करने लगती है। सुबह होने पर जीन को समुद्र के किनारे कुछ मछलियां मिल जाती है। मछली उठाने के दौरान उसे एक बड़ी मछली मिलती है जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी क्रिएचर ने मारा है। इसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करके मछलियों को खाने के लिए तैयार करती है। कुछ समय बाद वो फिर से आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाती है, जहाँ उसे एक जगह पर ग्रेव यानी कि कब्र दिखाई देती है। जीन समझ जाती है कि ये उसी फैमिली की ग्रेव है जिसका उसे सामान मिला था। इसे देखने के बाद जीन भी ब्रॉड को दफनाने का सोचती है, इसीलिए वो ब्रॉड की डेड बॉडी को रेत के नीचे एक गड्ढे में दफना देती है। अब जीन रात को आग जलाती है और मछली पकाकर खाने के बाद सो जाती है। अगले दिन वो समुद्र के किनारे टहल रही होती है, तभी वो देखती है कि कोई क्रिएचर यानी कि मॉन्स्टर ब्रॉड की डेड बॉडी को खा गया है और निशान देखकर लग रहा था कि वो क्रिएचर समुद्र से ही आया है। इस नजारे को देखकर जीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि इस जगह जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी का नुकीला औजार बना लेती है। इसी तरह आज का दिन और रात भी बीत जाता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब हरकत नजर नहीं आती। अगले दिन जीन मछली पकड़ने जाती है, तभी समंदर में उसे अपना लगेज दिखाई देता है। इसके बाद जीन पानी में जाती है और उसे बाहर लेकर आती है। उस दौरान उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए जीन पानी के अंदर जाकर देखती है। तब उसे वहाँ समुद्र के अंदर एक होल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसे देख जीन घबरा जाती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। उस लगेज में जीन का एक नया ड्रेस होता है जिसे वो चेंज कर लेती है। इसके बाद वो रात को आग जलाकर बैठी होती है और वहाँ से मिली हुई फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी यहाँ से एक प्लेन गुजरता है। उसे देख जीन हेल्प के लिए फ्लेयर गन चला देती है, लेकिन प्लेन वहाँ से जा चुका था। लेकिन फ्लेयर की रोशनी से जीन को समुद्र में एक बड़ा क्रिएचर नजर आता है। उसे देखकर जीन बहुत डर जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। वो क्रिएचर जीन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे नहीं मिल पाती, जिसके बाद वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। सुबह होने पर जीन जंगल से बाहर आ जाती है और फिर से उसी फोटो को देखने लगती है। अब जीन को फोटो के अंदर दो आंखें नजर आती है। अब जीन को समझ आ जाता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो अपने सूटकेस की मदद से यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता। इसीलिए जीन अपनी सेफ्टी के लिए उस खोखले पेड़ के अंदर रात बिताने का डिसाइड करती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उस खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इससे जीन बहुत डर गई होती है, लेकिन वो क्रिएचर इस पेड़ को नहीं तोड़ पाता और वापस समुद्र में चला जाता है। सुबह होने पर जीन बाहर आती है, लेकिन जीन ने अभी तक उस क्रिएचर को नहीं देखा था, इसलिए वो समुद्र से एक बड़ी मछली को पकड़ती है और रात होने पर उसे किनारे पर लटका देती है। इसके बाद वो पास में छुपकर उस क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी आंख लग जाती है, जिस दौरान वो क्रिएचर आकर उस मछली को ले जाता है। अगले दिन जीन फिर से उस क्रिएचर को पकड़ने की तैयारी करने लगती है, तभी उसे किनारे पर एक डेड बॉडी नजर आती है। जब वो डेड बॉडी बाहर निकालने जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसके फ्रेंड जैक की है। उस डेड बॉडी की कंडीशन देखकर जेन घबरा जाती है और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे थे। जेन उस डेड बॉडी को बाहर लाती है और वहीं किनारे पर पेड़ से लटका देती है। रात हो जाने पर जेन फिर से वहीं पर छुप जाती है और क्रिएचर के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद क्रिएचर वहाँ पर आता है और उस डेड बॉडी को खा लेता है। इतने बड़े क्रिएचर को देखकर जेन बहुत ज्यादा डर जाती है।
जाती है। वो क्रिएचर जेन के बहुत नजदीक आ जाता है लेकिन जेन को नहीं देख पाता और वहाँ से समुद्र में वापस चला जाता है। अगले दिन जेन रात बिताने के लिए पेड़ के ऊपर इंतजाम करती है। रात में जेन आराम से सो रही होती है तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आता है और पेड़ को जोर से हिलाने लगता है जिसके कारण जेन नीचे गिर जाती है और वहाँ से जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन क्रिएचर बहुत तेज था, वो जेन को आगे से आकर घेर लेता है। इसके बाद जेन नुकीली लकड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद वो क्रिएचर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं और वो क्रिएचर पानी के अंदर चला जाता है। सुबह होने पर जीन अपना पैर देखती है, उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद वो नहाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। तभी समुद्र के अंदर उसे एक राफ्ट नजर आती है जिसे देख जीन जल्दी से उसके पास जाती है और उसे किनारे पर लाती है। उसके अंदर उसका एक फ्रेंड मिया और लुकास दिखाई देते हैं। इतने दिनों बाद वो लुकास से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब मिया और लुकास रेस्ट करने लगते हैं तब जीन उसे उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बताने लगती है लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर जीन यहाँ से मिले फोटोग्राफ्स भी उन्हें बताती है और ब्रोड के साथ घटी घटना भी उन्हें बताती है। ब्रोड की मौत के बारे में सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद जीन उस लकड़ी पर लगे उस क्रिएचर के ब्लैक ब्लड को भी दिखाती है लेकिन उसको अभी भी ये सब बकवास लग रहा था। इसके बाद जीन लुकास की पॉकेट नाइफ लेती है और मछली पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसे नाइफ पर ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है लेकिन जीन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वापस आने पर जीन लुकास को रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने से पहले वो यहाँ से निकल जाना चाहती है लेकिन लुकास और मिया इसके लिए तैयार नहीं थे। जेन अभी भी उनको यहाँ के पूरे खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करती है लेकिन लुकास उस पर उल्टा ही गुस्सा होने लगता है, इसीलिए जेन अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। जब लुकास और मिया बातें करने में बिजी हो जाते हैं इसका फायदा उठाकर जेन राफ्ट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मिया और लुकास उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। इस दौरान जेन खुद को फ्री करने के लिए फाइट करने लगती है और मिया को एक किक मार देती है। तब मिया उसे गुस्से में पेडल मार देती है जिसके बाद जेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर जेन खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाती है। तभी मिया उसे सॉरी बोलती है। जेन मिया को अपने हाथ खोलने के लिए बोलती है लेकिन मिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। इसी बीच लुकास जेन से जेक के बारे में कुछ कहता है। इसके बाद जेन पूछती है कि जेक के साथ क्या हुआ था। उसी समय मिया किनारे पर टहल रही होती है। तभी क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और लुकास उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए जाता है और क्रिएचर से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो क्रिएचर उसे नीचे पटक देता है। इधर जेन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेती है और इन दोनों की तरफ आती है लेकिन क्रिएचर मिया को लेकर चला जाता है। तभी जेन वहाँ पर आती है और लुकास को जंगल में लेकर चली जाती है जहाँ दोनों पेड़ के ऊपर रात बिताते हैं। सुबह होने पर लुकास काफी डरा था। फिर जेन उसे बताती है कि मैंने उस क्रिएचर को दिन के समय कभी बाहर नहीं देखा। अब लुकास को भी जेन के ऊपर यकीन होने लगा था इसलिए वो दोनों खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और राफ्ट लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी जेन को उसके अंदर बहुत सारा ब्लड नजर आता है। उसे शक हो जाता है कि वो ब्लड जेक का है, उसके साथ लुकास और मिया ने कुछ किया होगा। दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी वो क्रिएचर उनके राफ्ट पर हमला करने लगता है। फिर लुकास फ्लेयर लाइट जलाकर उस क्रिएचर को वहाँ से भगा देता है। दोनों को लगता है कि वो क्रिएचर वहाँ से चला गया। वो जेन को लेकर नीचे जाने लगता है। इसके बाद जेन अपनी पॉकेट नाइफ निकालती है और उस क्रिएचर पर हमला करने लगती है लेकिन तभी लुकास को लेकर वो अपने होल के अंदर चला जाता है। अब जेन कुछ नहीं कर पाती इसलिए अपनी जान बचाकर वो पानी के बाहर आ जाती है। अब वहाँ की आग भी बुझने लगी थी इसलिए जेन बड़ी मुश्किल से फिर से आग जला लेती है। अब उसने उस क्रिएचर से लड़ने का डिसाइड कर लिया था लेकिन इससे पहले वो अपनी बुक में सब कुछ मेंशन कर देती है ताकि वो उस क्रिएचर को मारने में नाकाम हो जाए तब उसकी बुक यहाँ पर फंसने वाले लोगों की कुछ मदद कर सके। जेन जंगल के पास में कुछ लकड़ियों और घासों का घेरा बना देती है और वहाँ की डेड बॉडी की हड्डियों से कुछ नुकीले वेपन को तैयार कर लेती है। जेन ने घेरे के अंदर कुछ मछलियों के टुकड़े रख दिए थे जिसकी स्मेल से वो क्रिएचर वहाँ पर चला जाता है। इसके तुरंत बाद ही वो क्रिएचर के चारों तरफ आग लगा देती है। अब क्रिएचर उसके बीच में फंस जाता है और जेन लगातार नुकीली हड्डियों और लकड़ियों से अटैक कर रही होती है। इसी बीच वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है लेकिन जेन उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है और उसके पास से भाग जाती है। वो क्रिएचर भी उसके पीछे आता है लेकिन वो कुछ देर बाद गिर जाता है क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बाद जेन उसे मार देती है और उसका सर अपने साथ ले जाने का सोचती है ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।